एक हैरान करने वाली खबर और शर्मसार करने वाली खबर है। क्यों? क्योंकि मोगा कांड के बाद पीड़ित परिवार अब तक इंसाफ की मांग कर रहा है और पंजाब की बादल सरकार के मंत्री और अकाली दल के विधायक पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने वाले बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ मोगा मामले में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित के परिजन ने अब तक पीड़ित का अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। एक तरफ घटना पर विरोध जारी है तो दूसरी तरफ बादल सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक बेहद शर्मसार कर देने वाला बयान दिया है। वो कहते हैं कि एक्सीडेंट भगवान की मर्जी थी और क्या कहा उन्होंने आप देखें खुद। देखो जीडी तो इस रखा है जी, ये तो परमात्मा ने रखा है, ये तो आप भी ट्रैवल रोज करते हैं, पता नहीं कितने की हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। नहीं बस उसलिए अंदर कुछ ना कुछ नहीं, जो जो प्रकॉशन जिन्हें वो तो बस बरत ही रहे हैं, अगे वास्ते बरतेंगे भी, ये कोई दो रहा है नहीं, पर कुदरत के मूहे मैं भी कुदरत मूहे कोई नहीं खड़ सकता, ये तो आप घर एक्सीडेंट नहीं होंगे, सो ये तो एक्सीडेंट होना होर कुछ होना जहाज के एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये सब कुदरत की गल है, ये सू परमात्मा सरकारी। और पंजाब की शिक्षा मंत्री के बेतुके बयान के बाद पहले से गमजदा परिवार को धक्का पहुंचा है। परिजनों ने मंत्री पर गुस्से का इजहार आज तक से बातचीत के दौरान किया। ओदी बेटी के साथ नहीं होया हादसा कोई, ताई ओ लोकां दे साथ करदा है ना, गरीबां दे साथ ही करदा है, गरीबां ही गरीब ही ओनू वोटां पा पा जिता देंदे आ, गरीब ही ओनू सिर ते बिठा लैंदे, गरीबां दी ओ इज्जत लुट रहा हुण इस टाइम ते, गरीबां दी इज्जत लुटदा है, गरीबां नू गरीबां दा कोई फैसला ही है नहीं गा, गरीबां वल कोई हुंदा ही नहीं, मंत्री जो लीडर आ जो सब ओदे ही आ, जो पुलिस वाले सारे ओदे ही करदे आ, साडी कोई सुनदा ही नहीं, साडी सुनवाई है नहीं गी, साडी कुड़ी नू कहिंदे आ उत्थों चक के लै जाओ, असीं कुड़ी चक के लिया के चौंक च पा देनी आ, फिर आपे उत्थे बादल आऊगा।